देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और गैस के दामों को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 70 साल में जो सिलेंडर की कीमत 400 के करीब पहुंची थी, अब वह पिछले 7 साल में 800 के पार पहुंच गई है और जल्द ही वह कीमत 1000 तक पहुंचने वाली है। अगर देश में यही विकास है तो विकास ही पागल हो चुका है। देश हमारे दो की सरकार पर चल रही है। आगे कुणाल चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश बन चुका है और आने वाले बजट कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। आगे कुणाल चौधरी ने कहा कि विधानसभा में रोजी रोटी, रोजगार, कपड़ा और मकान जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इसकी जनता को बधाई देना चाहता हूं कि मोदी जी ने गैस को, पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिलवाने का काम करा। वो गैस की टंकी जो कांग्रेस राज पे पूरी बड़ी मुश्किल से 400 के आसपास पहुंच पाई थी 70 साल के अंदर, 7 साल के अंदर उसे 825 पहुंचा के और कहीं ना कहीं आगे 1000 की तैयारी है। पहले सिलेंडर मुफ्त बांटो और उनको भरवाने के लिए 825 रुपए। जिस गैस की टंकी को 825-400 रुपए के ऊपर डायन कहा करते थे, वो 825 के ऊपर इन्हें विकास दिख रही है। विकास भारतीय जनता पार्टी का पागल हो चुका है। इस देश की जनता से जिन वादों के साथ मोदी जी आए थे, उन सारे वादों को धूमिल करते हुए कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने की ये कोशिश है।